नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान गई अंजू के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो अब वो भारत आने का नाम लेने लगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं आपको बताऊंगी एक मजबूर पिता ने आखिर क्यों अपने कलेजे के टुकड़े की बलि दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कि हर्बल दवाई के नाम पर क्या आप कहीं मुर्गियों का दाना कैप्सूल में भरकर तो नहीं ले रहे हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। खबर आ रही है कि पाकिस्तान गई अंजू अब भारत वापस लौटना चाहती है। वो अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत आना चाहती है और खबर तो ये भी है कि बहुत जल्द वो भारत वापसी की प्लानिंग कर रही है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि अगर अंजू भारत आती है तो क्या उसके परिवार वाले अब उसे स्वीकार करेंगे। राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू वापस आना चाहती है। अंजू ने भारत आने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। अंजू का कहना है वो अपने बच्चों से मिलने के लिए वापस आना चाहती है। अंजू का कहना है पति अरविंद से उसका संबंध पहले ही टूट चुका है, वो नवंबर के अंत तक भारत आ जाएगी। पाकिस्तान में उसके वीजा की लिमिट खत्म हो रही है। अंजू का कहना है उसके पास सभी सवालों के जवाब है। अंजू कह रही है वो सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस के भी जवाब देने के लिए तैयार है। उसका कहना है उसने कुछ गलत नहीं किया है, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वो वापस आना चाहती है। अंजू का कहना है उनके पहले पति अरविंद ने उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया है। उनके माता पिता और परिवार को हर बात की जानकारी थी। पाकिस्तान पहुंचने पर उसने सबसे पहले अपनी बहन को कॉल कर जानकारी दे दी थी। अंजू के वापस आने की अटकलों के बीच कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या नवंबर में अंजू सच में भारत आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी वो आने की बात कह चुकी है लेकिन नहीं आई। अंजू ने मुस्लिम धर्म अपनाकर प्रेमी नसरुल्ला से निकाह किया है और वो फातिमा बन चुकी है। क्या परिवार वाले और बच्चे उसे स्वीकार करेंगे? भारत देश के साथ भी जो आपने सबसे अहम बात कही है कि अंजू ने जो कदम उठाया वो देश के लिहाज से भी ठीक नहीं किया। जी हाँ, ये देश के लिए तो बहुत ही मतलब शर्म की बात है। और सबसे बड़ी मैं तो अपने आप को ये चीज सोचता हूँ कि मैं उस बदनसीब बाप हूँ मैं ऐसी बेटी का, जो मेरे मुंह पर एकदम कालक पोत दिया। मेरे परिवार में क्या मेरे मुंह पर कालक पोत दिया, इसलिए मेरे को ये बात कहने में भी बहुत अपने आप को मैं कोशिश करके कर रहा हूँ। मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है इस समय। पति अरविंद ने अंजू के खिलाफ केस दर्ज कराया है, क्या पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है? अंजू के भारत लौटने पर सुरक्षा एजेंसियां उसे पूछताछ कर सकती हैं? क्या अंजू के पास इन सवालों के जवाब होंगे? इसी साल 20 जुलाई को अंजू घर से निकली थी। उसने परिवार के सदस्यों को कहा था कि वो अपनी सहेली के घर जयपुर जा रही है, लेकिन बाद में पता चला कि अंजू पाकिस्तान चली गई है। अंजू कहती रही कि वो एक हफ्ते में वापस भारत आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में अपने प्रेमी नसरुल्ला से मिलने के लिए खैबर पख्तूनवा प्रांत के दीरबाला चली गई और वहां उसने निकाह कर लिया। यहां तक कि उसके धर्म परिवर्तन की खबरें भी सामने आने लगी। ऐसे में अब करीब एक साल बाद अंजू वापस आ रही है। देखना ये है कि अंजू अगर वापस भारत आती है तो उसको लेकर उसके घर वालों का क्या रुख रहता है और क्या अंजू फिर से पाकिस्तान चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बाप हूँ मैं ऐसी बेटी का, जो मेरे मुंह पर एकदम कालक होती है। मेरे जिद में रहती है, जो करती है वही ठान लेती है।